बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद वकास। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 15 में किडनी फेलियर के टॉपिक को डिस्कस करना है। किडनी डिसऑर्डर्स के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की कि किडनी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, इट कैन बी द इन्फेक्शंस जो ना सिर्फ किडनी में बल्कि पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक में आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस है इन द किडनीज, यूरेथराइटिस है यूरेथ्रा में, सिस्टाइटिस है ब्लैडर में। इसी तरह से स्टोन्स फॉर्मेशन विच मोस्टली टेक्स प्लेस इन टू द किडनीज, यानी किडनी स्टोन्स बाज़ अवकात ब्लैडर में भी होते हैं, ब्लैडर स्टोन्स, रेयरली यूरेटर्स में भी स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है, और किडनीज में पेल्विस रीजन में स्टोन्स की फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा देखने में आई है। इसी तरह से बाज़ अवकात यह होता है कि किडनीज का जो फंक्शनल यूनिट है यानी नेफ्रॉन्स, द नेफ्रॉन्स आर गेटिंग इन्फेक्शंस एंड आर बींग डैमेज्ड। व्हेन नेफ्रॉन्स आर गेटिंग इन्फेक्शंस एंड आर बींग डैमेज्ड, द टर्म इज गिवन द नेम एज किडनी फेलियोर या रीनल फेलियोर, क्योंकि फेलियर का मतलब है फंक्शनल डिसअपियरेंस, फंक्शंस का खत्म हो जाना। जैसे हार्ट का काम है पंपिंग, और फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा है कि जब रीगर्गिटेशन शुरू हो जाती है, ब्लड वापस जाना शुरू हो जाता है तो हार्ट फेलियर। इसी तरह से नेफ्रॉन्स का फंक्शन है फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। जब नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चरली डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑब्वियसली उसका फंक्शन भी इफेक्ट करेगा, डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। तो इस कंडीशन को रीनल फेलियर या किडनी फेलियर का नाम दिया जाता है। अगर किडनी फेलियर को अर्लियर स्टेजेस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो किसी हद तक इसको सरवाइव करना आसान होगा, किसी हद तक, अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रहेगा तो ये कंडीशन एक सीवियर स्टेज में या सीवियर टाइप की डिजीज में कन्वर्ट होगी, जिसको यूरीमिया का नाम दिया जाएगा। यूरीमिया, द यूरीमिया इज एंड स्टेज रीनल डिजीज, द यूरीमिया इज एंड स्टेज रीनल डिजीज। ठीक है, कि जब ये वो कंडीशन है, वो स्टेटस है वेयर किडनीज आर अनएबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस टोटल। ठीक है भाई, अब जो किडनी फेलियर है, रीनल फेलियर है, ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के इंफेक्शन जो है ना वो देखने में नजर आते हैं सोसाइटी में। ठीक है, अब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन या एक्यूट और क्रॉनिक टाइप ऑफ रीनल फेलियर जो है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं व्हाई दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर अकरिंग इन द सोसाइटी। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बात भी बता दूं कि किडनी फेलियर में काफी हद तक जेनेटिक प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर किया जाता है, यानी बाद औकात हेरिडिटरी तौर पर किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो भी देखने में नजर आई, विच आर अल्टीमेटली लीडिंग टू किडनी फेलियर्स। ठीक है, यानी बाद औकात इस तरह होता है कि जैसे ये हम नहीं कहते पानी की थैलियां, इस तरह की थैलियां सिस्ट बन जाते हैं इनसाइड द किडनीज, तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एनी हाउ, अब किडनी फेलियर में जो एक्यूट या क्रॉनिक फेलियर है ड्यू टू एनवायरमेंटल कॉजेज, वो कौन कौन से कॉजेज हैं। एक्यूट किडनी फेलियर की अगर बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम हैमरेज का है, हैमरेज, रप्चरिंग, बर्स्टिंग ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स, इस कंडीशन को हैमरेज बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से वॉमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है, यानी जो परसिस्टेंट केसेस हैं, ओकेजनल नहीं, कभी कभार तो ज़ाहरा हो जाती है, क्योंकि वॉमिटिंग या डायरिया ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से भी जनरेट होती है, लेकिन जो परसिस्टेंट हो, अक्सर व बेशतर हो, तो फिर ये भी इंडिकेट करेगा एक्यूट किडनी फेलियर को। इस तरह डायूरेसिस, डायूरेसिस, अब आपको मैंने हार्मोन्स में बताया था कि एक हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस यूरिन, यूरिन का जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होना। तो जब डायूरेसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होगी, दैट मे ऑल्सो लीड टू एक्यूट टाइप ऑफ किडनी फेलियर। इसी तरह से नेफ्राइटिस, ठीक है, अगेन देखें यहां पे सफिक्स आ गया आइटिस का, इन्फ्लेमेशन। तो नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन, कौन से पार्ट की, नेफ्रॉन्स में
जो मेजर फिल्ट्रेशन रीजन है वो ग्लोमेरुलस। तो जब ग्लोमेरुलस में इंफेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है, इस कंडीशन को नेफ्राइटिस कहते हैं। बट सीवियर नेफ्राइटिस इज द कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। सीवियर नेफ्राइटिस इज द कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। और ये नेफ्राइटिस क्यों प्रोड्यूस होता है? ये कभी इंफेक्शन की वजह से होता है, कभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से होता है, कभी ऐसे होता है कि कोई इस तरह का कंपाउंड, इस तरह का केमिकल कंज्यूम कर लिया हमने इन द नेम ऑफ ड्रग्स या इन द नेम ऑफ एनी अदर हर्बल मेडिसिन, कि उसने डायरेक्ट जो है ना सीवियर नेफ्राइटिस प्रोड्यूस कर दिया। फिर ऑब्स्ट्रक्शंस, इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। ऑब्स्ट्रक्शंस, ब्लॉकेजेस, जिसकी डिटेल कल हमने पढ़ी है। ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेजेस, इसकी मेन रीजन स्टोन्स है, और स्टोन फॉर्मेशन की डिटेल कल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर स्टोन्स फॉर्मेशन रिमेन अनट्रीटेड, यानी किडनी स्टोन्स हैं और इन स्टोन्स को हम अनट्रीटेड छोड़ दें, तो ये भी अल्टीमेटली किडनी फेलियर को लीड करेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में सबसे जो बड़ी रीजन है वो है इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस, ठीक है। जैसे हमने शुरू में बात की थी पाइलोनेफ्राइटिस की, तो ये इन्फेक्शन जो है ग्रेजुअली नेफ्रॉन्स में डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट है, यानी जो शुगर पेशेंट है, आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर पेशेंट को जिंदगी की आखिरी स्टेजेस में, अगर उसकी उम्र अल्लाह ने उसको लंबी दी है 50-60 ईयर्स की, तो पोस्ट 60s में यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी किडनीज जो है ना वो इफेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी बीमारी है, इसकी डिटेल आगे आएगी हार्मोन्स के चैप्टर में, कि ये जो बीमारी है डायबिटीज की, शुगर की, ये ना सिर्फ हार्मोनल इम्बेलेंसिंग को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि इसकी वजह से आपकी बॉडी का, पेशेंट की बॉडी का हीलिंग सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जिंदगी किसी स्टेज पे जाके इवन किडनीज भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। फिर ब्लड प्रेशर जो परसिस्टेंट, जो पेशेंट है ब्लड प्रेशर का, पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है, उसको ये खतरा है कि अगर उसका ब्लड प्रेशर एक बड़े लंबे चौड़े अरसे तक कंट्रोल नहीं हो सकता, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा किडनीज पे जाके, ठीक है भाई। इसी तरह से नेफ्राइटिस, जैसे मैंने वहां पे डिस्कस किया, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है नेफ्राइटिस का, तो नेफ्राइटिस वुड आल्सो लीड टू द किडनी फेलियर, ठीक है। अब जो एक्यूट रीनल फेलियर है, इसमें नुकसान कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन क्रॉनिक रीनल फेलियर, मैंने आपको शुरू में भी बताया था 14 चैप्टर में भी, कि क्रॉनिक का मतलब ही ये है कि एक ऐसी डिजीज जिसमें इन्फेक्शन ग्रेजुअली स्प्रेड करता है और एसिम्प्टोमेटिकली काफी हद तक स्प्रेड करता है, और जब उसके सिम्टम सामने आना शुरू होते हैं तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये वजह है कि जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है वो यूजुअली लीड करता है यूरिनिया, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास किडनी फेलियर का मेन प्रॉब्लम है, और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, तो इट वुड बी गोइंग टू कॉस्ट द ह्यूमन हेल्थ, इट वुड बी गोइंग टू कॉस्ट द ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब ये है कि ये जो डिजीज है, ये बाय एंड ऑफ द डे इट वुड बिकम अ फैटल टाइप ऑफ डिजीज, ये फैटल बन जाएगी, ठीक है। फैटल जिसे उर्दू में मोहलिक कहते हैं। यही वजह है कि इसके ट्रीटमेंट को प्रोमोट करना, इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना, इसके ट्रीटमेंट का फॉलो अप करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है भाई। अब जो किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट है, ये दो तरह से किया जा सकता है। देखें, मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मेन प्रॉब्लम आ रहा है मैल फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी नेफ्रॉन्स का फंक्शन खत्म हो चुका है, किडनी फेलियर की कंडीशन है, नेफ्रॉन्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर कैसे किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट फॉर नेफ्रॉन्स, यानी हमें एक ऐसा अल्टरनेट रिक्वायर्ड है जो नेफ्रॉन्स का फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं फॉर किडनी फेलियर, वन ऑफ द ट्रीटमेंट कैन बी डायलिसिस, वन ऑफ द ट्रीटमेंट कैन बी द डायलिसिस,
ठीक है। अब डायलिसिस का मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, डायलिसिस का वैसे मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। मैंने आपको बताया ना कि यहां पे मेन प्रॉब्लम किसका आ रहा है, मेन प्रॉब्लम आ रहा है नेफ्रॉन्स का, नेफ्रॉन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन और ऑस्मोरेगुलेशन, यानी सिंपली प्योरिफिकेशन जो है, प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड इट इज द मेन टास्क ऑफ नेफ्रॉन्स। तो जब प्योरिफिकेशन नहीं हो रही तो फिर हमें आर्टिफिशियली प्योरिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायलिसिस का मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। तो वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स फॉर किडनी फेलियर इज डायलिसिस, ठीक है। और दूसरा जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है हमारे पास, वो जाहिर है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, वो है रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये जो रीनल या किडनी ट्रांसप्लांट है, इट इज अनदर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर, ठीक है भाई। देखें डायलिसिस प्योरिफिकेशन है, रीनल ट्रांसप्लांट रिप्लेसमेंट है डिजीज्ड किडनी की विद द हेल्दियर किडनी, ठीक है। अब डायलिसिस को अगर देखा जाए तो डायलिसिस का मतलब है हमने उसी डिजीज्ड किडनी के साथ पेशेंट की बॉडी के अंदर एक अल्टरनेटिव मेथड जनरेट करना है ब्लड प्योरिफिकेशन का, और रीनल ट्रांसप्लांट का मतलब यह है कि हमने पेशेंट को एक हेल्दियर किडनी के, हेल्दियर किडनी डोनेट करवानी है, ठीक है। अब अगर इन दो मेथड्स को कंपेयर किया जाए तो हमें यह नजर आता है कि जो रीनल ट्रांसप्लांट है इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स एज कंपेयर टू डायलिसिस, लॉन्ग टर्म भी होगा और इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। Then why patients are going for dialysis? उसकी दो बड़ी रीजन है। नंबर वन, अगर इन दो प्रोसेसेस को कंपेयर किया जाए तो रीनल ट्रांसप्लांट एक बहुत एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट दैट मच ईजियर एंड दैट मच इकोनॉमिकल कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके। महंगा तो डायलिसिस भी है लेकिन रीनल ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा महंगा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, नंबर वन। नंबर टू, जो रीनल ट्रांसप्लांट है इसका सबसे बड़ा हैंडीकैप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टू फाइंड आउट द मैचिंग डोनर, मैचिंग डोनर को फाइंड करना एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। डोनर तो मिल जाएगा लेकिन मैचिंग डोनर का होना जरूरी है, और ये जो मैचिंग डोनर किडनीज के लिए सिलेक्ट किया जाता है इसके लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जिनकी डिटेल रीनल ट्रांसप्लांट के टॉपिक में हमने डिस्कस कर, ठीक है। तो वन बाय वन अब इन दो मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो डायलिसिस। अब डायलिसिस का जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें हमने बेसिकली प्योरिफिकेशन करनी है ब्लड की, प्योरिफिकेशन करनी है ब्लड की। क्यों? क्योंकि ब्लड जब सर्कुलेट करता है वो किडनीज की तरफ जाता है, तो माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज या डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स की वजह से ब्लड की प्योरिफिकेशन हो नहीं सकती, और जो वेस्ट बॉडी ने रिमूव करना था वो वेस्ट काफी हद तक ब्लड के साथ वापस आ जाता है। यही वजह है कि वो वेस्ट फिर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। बॉडी के ऊपर स्वेलिंग भी नजर आएगी, रंग भी जैसे हम कहते हैं ना सड़ना शुरू हो जाएगा, यानी डार्किश स्किन बनना शुरू हो जाएगी, ये उसके सिम्टम्स होंगे। अब इस प्योरिफिकेशन के लिए, डायलिसिस के लिए हमारे पास दो टाइप्स के ट्रीटमेंट्स हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है भाई। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये जो हीमोडायलिसिस है इट इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वेयर डायलाइजर इज यूज्ड। इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में डायलाइजर को यूज किया जाएगा, डायलाइजर एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन भी आप इसको कह सकते हैं, डायलाइजर को आप एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक लार्जर साइज की मशीन है, इक्विपमेंट है, ठीक है, जो आउटसाइड द बॉडी इंस्टॉल किया जाता है। अगर मैं उसको ब्रीफली को दिखाऊं तो वो तकरीबन कोई इस तरह का होता है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से परफोरेटेड मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, और यहां से ये इसके इनलेट्स और आउटलेट्स को दिखाया जा सकता है।
अब आप देखें कि ये दरमियान में ये परफोरेटेड मेम्ब्रेन्स हैं, ये जो परफोरेटेड मेम्ब्रेन्स हैं इनका फंक्शन होगा फिल्ट्रेशन। यूं समझ लें कि ये जस्ट लाइक फिल्टर प्लेट्स हैं, ये जस्ट लाइक फिल्टर पोर्स हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन चैनल्स हैं, ये वो चैनल्स हैं, वो पोर्स हैं जहां से फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। अब यहां से ब्लड को एंटर किया जाएगा, ब्लड को फ्रॉम द बॉडी, ऑब्वियसली ये वो ब्लड है जिसके अंदर टॉक्सिक वेस्ट मौजूद है। यहां से डायलाइसेट को एंटर किया जाएगा, डायलाइसेट वो केमिकल है जो प्योरिफिकेशन पर्पस के लिए इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। ब्लड बॉडी से आ रहा है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसके अलावा शुगर, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स और वाटर। डायलाइसेट वो केमिकल है जिसने इस ब्लड से वेस्ट को एब्जॉर्ब करना है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करना है। तो अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि व्हाट वुड बी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायलाइसेट, ऑब्वियसली डायलाइसेट की जो केमिकल कंपोजिशन है दैट वुड बी रिजेंबलिंग द ब्लड, बट ओनली ऑफ असेंशियल पार्ट्स, यानी डायलाइसेट में वाटर अप टू सम एक्सटेंट, साल्ट्स, शुगर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स शामिल होंगे, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे। जाहिर है जब नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे तो फिर इन परफोरेटेड मेम्ब्रेन्स में लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई होगा। ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डायलाइसेट का हिस्सा बनेगा, यानी डायलाइसेट लैक्स नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वेस्ट जो है वो डिफ्यूज होगा डायलाइसेट में, ठीक है। इसके बाद जो वेस्ट जनरेट होगा वो इस आउटलेट के थ्रू, ये आउटलेट है, यहां से जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करवाया जाएगा, ठीक है, और ब्लड रीसर्कुलेट करेगा वापस बॉडी की तरफ। जाहिर है आर्टरी से ब्लड लिया जाएगा और वेन्स में वापस उसको ड्रेन कर दिया जाएगा। तो ये जो आपके पास आर्टिफिशियल मशीन है इसको बोलते हैं डायलाइजर मशीन, ठीक है, और इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को हीमोडायलाइसिस का नाम दिया जाता है, ठीक है, इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को हीमोडायलाइसिस का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आता है वो है पेरिटोनियल डायलाइसिस। इट इज अ टाइप ऑफ डायलाइसिस इन विच पेरिटोनियम इज इन्वॉल्व्ड। अब पेरिटोनियम क्या है, ये मेम्ब्रेन है जो सराउंड करती है पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, लिविंग मेम्ब्रेन है जो सराउंड करती है पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द मैन को। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्केच करूं, देखें आप यूं समझें कि ये आपके पास इस तरह से ये एब्डोमिनल कैविटी आ गई, ठीक है। अब कैथेटर के थ्रू, यहां से कैथेटर के थ्रू डायलाइसेट को इंजेक्ट किया जाएगा, द सेम टाइप ऑफ डायलाइसेट जो यहां पर यूज किया गया था, ठीक है। अब ये एब्डोमिनल कैविटी में डायलाइसेट को इंजेक्ट किया गया, यहां पर ब्लड कैपिलरीज है, यहां पर है ब्लड कैपिलरीज, और ऑब्वियसली दीज कैपिलरीज वुड बी हैविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट, दीज कैपिलरीज वुड बी हैविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो उसी तरह लॉ ऑफ डिफ्यूजन के तहत वेस्ट इसमें चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ एक आउटलेट लगा होता है, यहां से एक आउटलेट लगा होता है। तो ये आउटलेट क्या करता है, ये वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाता है। इस ट्रीटमेंट को कहते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस। अब अगर आप हीमोडायलाइसिस और पेरिटोनियल डायलाइसिस को कंपेयर करें तो आप ये देखते हैं कि इन केस ऑफ हीमोडायलाइसिस एक डायलाइजर यानी आर्टिफिशियल किडनी मशीन को यूज किया गया, ब्लड को बॉडी से ऊज आउट करवाया गया, निकाला गया और फिर इस मशीन के थ्रू सर्कुलेट करवा के प्योरिफिकेशन के बाद ब्लड वापस जाएगा। इसका मतलब यह कि यह 3-4-5 घंटे का एक पेनफुल प्रोसेस है, और 3-4-5 घंटे का जो पेनफुल प्रोसेस है यह सिर्फ 4-5 घंटे का प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि इससे पहले 3-4 घंटे की फास्टिंग भी जरूरी है, ठीक है, ताकि उस दौरान पेशेंट
ज़्यादा पेशेंट यो समझ लें कि फिजिकली पेशेंट कनेक्टेड है इस मशीन के साथ, वो मूव नहीं करेगा, ना वो कर सकता है मूव, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो 7-8 घंटे तक पेशेंट को जो है ना एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना है, उसके बाद ये प्योरिफिकेशन होगी। लेकिन हीमोडायलिसिस का इफेक्ट कंपैरेटिवली लॉन्गर टर्म है, यानी अगर एक ऐसा पेशेंट जिसको अभी अभी किडनी फेलियर का प्रॉब्लम जनरेट हुआ है, तो यूँ समझ लें कि वो अगर एक दफ़ा डायलिसिस करवा ले तो हो सकता है उसको एक महीने के बाद दोबारा आना पड़े। लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये इसके मुकाबले में आसान है, क्योंकि कैथेटर ट्यूब पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करनी है, वहां से डायलिसेट एंटर हो रहा है, पेशेंट मूव कर सकता है। ठीक है, फास्टिंग की जरूरत तो यहां पर भी होगी, लेकिन उसके मुकाबले में जरा इजी है, जरा रिलैक्स्ड है पेशेंट। बट ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स है, यानी अगर पेरिटोनियल डायलिसिस की बात की जाए तो हो सकता है कि इस प्रोसेस को ओवर द डे 7 times रिपीट करना पड़े। तो अब अगर दोनों की आउटपुट को देखा जाए तो कंपैरेटिवली हीमोडायलिसिस जो है ना सजेस्ट किया जाता है कि ये कंपैरेटिवली एक बेहतर मेथड हो सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रीनल ट्रांसप्लांट, जो दूसरा ऑप्शन है वो है किडनी ट्रांसप्लांट का। देखिए अगर तो ये ऑप्शन शुरू में ले लिया जाए तब भी ठीक है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से डायलिसिस को पहले प्रमोट किया जाता है। जब खुदा ना खास्ता पेशेंट यूरेमिया के केस में ट्रांसफर हो जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज पे चला जाता है, तो फिर रीनल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन लिया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट का। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है वो है मैचिंग डोनर, और मैचिंग डोनर के लिए सिर्फ ब्लड ग्रुप का मैच करना काफी नहीं होगा, बल्कि मैचिंग डोनर के लिए मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स हैं जो मैच करना जरूरी है। सीरम को मैच करना है, एंटीजन एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को मैच करना है, ठीक है, यानी इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पूरे की पूरी सीरोलॉजी यूं समझ ले इन्वॉल्व है मैचिंग डोनर के लिए। यही वजह है कि मैचिंग डोनर को बहुत ही करीबी अजीज या करीबी रिश्तेदार जो है वो बाई चांस एक मैचिंग डोनर मान सकता है। ठीक है भाई, इसलिए रीनल ट्रांसप्लांट में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो हैंडीकैप आपके पेशेंट के लिए बन सकता है वो बन सकता है मैचिंग डोनर का। एनी हाउ, अगर मैचिंग डोनर अरेंज हो जाता है तो फिर ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस नहीं है, बल्कि डिजीज्ड किडनीज अपनी जगह पर मौजूद है। ये किडनीज लोअर बैक ऑफ एब्डोमेन में, मैंने आपको पहले बताया था, तो इनके साथ थोड़ी सी स्पेस मौजूद है जिसके अंदर ये डोनर किडनी को फिट किया जा सकता है, रेसिपिएंट बॉडी में डोनर किडनी को फिट किया जा सकता है, ठीक है, और फिर इस डोनर किडनी को फिमोरल आर्टरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये डोनर किडनी जो है ये फिर फिमोरल आर्टरी से ब्लड सप्लाई लेना शुरू कर देती है एक अल्टरनेटिव चैनल से, और फिर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड और फिल्ट्रेशन का काम शुरू कर देती है। डिजीज किडनीज को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो बाकी बॉडी टिश्यूज में इन्फेक्शन ना प्रोड्यूस कर रहे हो तो, और यूजुअली नहीं करते, ठीक है। इसके यूजुअली किडनी ट्रांसप्लांट के केस में जो डोनर किडनी है वो एक एडिशनल होती है और वो फिक्स कर दी जाती है पेशेंट बॉडी में और उसको फिमोरल आर्टरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट, ये प्रोसेस इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के बाद अगले 10 से 15 साल तक पेशेंट जो है ना एक बेटर लाइफ जो है ना वो उसको गुजार सकता है, ठीक है, उसको यूजुअली फिर डायलिसिस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर वो उसके साथ साथ अपना प्रॉपर जो है फॉलो अप मेडिसिन का ट्रीटमेंट का प्रॉपर फॉलो अप रखता है और डाइट को कंट्रोल रखता है तो 10 से 15 साल तक इस ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ ये पेशेंट बड़ा आसानी से सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट जनरेट करता है ये जो रीनल ट्रांसप्लांट का मेथड है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, और वो ये है कि जो किडनी ग्राफ्ट की जाएगी उस किडनी को टी सेल्स डिटेक्ट करेंगे, जैसा कि फर्स्ट ईयर बिल्कुल आखिरी टॉपिक में लिखा भी हुआ। तो एक जो मेन प्रॉब्लम यहां पे जनरेट होगा वो होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर इम्यूनिटी के चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा, बिल्कुल आखिरी कॉन्सेप्ट, कि जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है ग्राफ्टेड ऑर्गन है उसको टी सेल्स ने आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर देना,
ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर इम्यूनिटी एक्टिवेटेड है तो फिर तो ये किडनी काम ही नहीं करेगी, ट्रांसप्लांटेड किडनी। अब इस प्रॉब्लम को फिर ओवरकम किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग द साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, ये फंजाई के टॉपिक में चैप्टर नंबर 7 में आपने मेडिसिन का नाम पढ़ा साइक्लोस्पोरिन। ये बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। अब साइक्लोस्पोरिन तो आपने दे दी, इम्यूनिटी को तो सप्रेस कर लिया ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट इजेक्शन ना हो, लेकिन फिर बॉडी ससेप्टेबल हो जाएगी डिजीजेस के लिए, तो उसको फिर कवर अप करने के लिए स्टीरॉइड्स भी देना पड़ेंगे। यानी यूं समझ लें कि इसके साथ जो सेट्स ऑफ मेडिसिन है वो बड़ा हैवी किस्म का होगा, जिनके साइड इफेक्ट्स अपने भी इटसेल्फ जनरेट होते हैं। सो इट इज नॉट दैट मच इजियर प्रोसेस जितना कि नजर आता है। यानी सिर्फ इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं, इसमें बेशुमार प्रॉब्लम्स भी हैं। एनी हाउ, वंस ट्रांसप्लांटेड तो फिर ये पेशेंट की लाइफ के लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म का गिफ्ट है फ्रॉम द नेचर। ठीक है भाई, डॉक्टर अदीप रिजवी, इन्होंने पहली दफा पाकिस्तान में रीनल ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो बेटा ये हमारा किडनी फेलियर का टॉपिक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के हवाले से अक्सर जो है ना वो सवाल पूछा जाता है। फिर ये जो आपका डायलिसिस का टॉपिक है, यहाँ से अक्सर बेशतर जो है ना एंटी टेस्ट के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक आपने बड़े अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट इंशाल्लाह थर्मो रेगुलेशन पे हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।